नमस्ते। आज हम दूसरे दो तीन कमांड देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज का देखेंगे डोम कमांड। तो डोम को आप समझ सकते हो कि जैसे भी कोई गुम्बद बनाना है हमको ऊपर, या फिर कोई राउंड शेप है, स्क्वायर शेप है, इसके ऊपर कोई गुम्बद सा बनाना है तो उसके लिए डोम कमांड यूज कर सकते हैं। चलो मैं पहले फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ, उस पर मैं एक स्केच बना लेता हूँ। एग्जिट स्केच कर लेता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, ये अपना एक स्केच बन के रेडी है। मैं उसको कंट्रोल 8 कर लेता हूँ। अभी हम जाएंगे डोम कमांड के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने यूज किया है इसलिए मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर हमको ऐसे कुछ कमांड चाहिए और नहीं मिले तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कमांड्स में जाना है, उसमें क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे लिखना है जो भी कमांड चाहिए डोम। तो मैंने डोम लिख दिया और यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे आ गया, और दूसरा चीज आप कर सकते हो, अगर डोम कमांड ढूंढना है इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद फीचर्स में जाइए, और फीचर्स में जाने के बाद ये डोम कमांड आपको यहां से भी मिल जाएगा। तो ये दो रास्ते हैं डोम कमांड के। चलिए हम डोम कमांड को अभी देखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है कि आपको जिस फेस पे डोम बनाना है उसको सिलेक्ट करिए। तो मुझे यहाँ पे डोम बनाना है। चलिए मैंने फेस सिलेक्ट कर लिया है। उसके नीचे उसका वैल्यू है, जितना प्लस माइनस बढ़ाना घटाना चाहो बढ़ा सकते हो। ये डोम है, ये क्या करेगा, पूरे कोनों से लेके इसका जो सेंटर रहेगा वहां तक पूरा रेडियस से बना देगा। तो एक इसको डोम बोलते हैं। इसमें भी दो तीन ऑप्शन है। ये है एक कॉन्स्टेंटिन पॉइंट्स और स्केच है, और इसमें है डायरेक्शन। तो अभी ये डोम हो गया, इसको मैं ओके करता हूँ तो ऐसा बन के आ गया है, ये हमारा डोम होता है। चलिए इसमें हम राइट क्लिक करते हैं, एडिट फीचर्स में जाते हैं। यहाँ पे एक है डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में हमको चाहिए वो करना होता है। डायरेक्शन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एज सिलेक्ट करना है आपको, तो मैंने यहाँ पे ये एज सिलेक्ट किया। जैसे ही एज सिलेक्ट किया, आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही होगी ये वाली। अभी तो मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ, फिर डोम का साइज बढ़ाता हूँ घटाता हूँ। तो जैसे भी मैं साइज बढ़ाता घटाता हूँ, मेरी कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री के हिसाब से वो उसका डायमेंशन चेंज होगा। ये आप देख सकते हो कि मेरा डोम बन गया है, और मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो मेरा जो एज था वो ऐसे था। तो ये फेस से सेम ये फेस का जो भी डायरेक्शन मैंने लिया था यहाँ पे ऊपर की साइड, तो इस पॉइंट से भी यहाँ से ऊपर की साइड लेते हुए इसने डोम बना लिया। तो ये डोम, इसको फिर से करते हैं, एडिट फीचर्स में करते हैं। ये तो हो गया कि हमारा क्या ऊपर का चाहिए, और इसका जैसे ही जैसे हमको अंदर का काटना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन ले लिया। जैसे रिवर्स डायरेक्शन लिया, ओके किया, तो जैसे ऊपर काटा था वैसे अंदर कट गया, ये देखिए। तो हम इसको ऐसे ऊपर और अंदर कर सकते हैं। अभी मैं फिर से जाता हूँ, एडिट स्केच करता हूँ और रिवर्स कर देता हूँ। यहाँ पे एक कमांड है कॉन्स्टेंट पॉइंट और स्केच। तो वो कैसे होता है, इसके लिए हमको पॉइंट या स्केच चाहिए। तो मैं इसको अभी ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, रेफरेंस लेके प्लेन ले लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ऊपर मैं प्लेन कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए मैंने 20 तक प्लेन कर दिया, ओके कर दिया। अभी इस प्लेन पे मैं रेंडमली एक स्केच बना लेता हूँ, या फिर एक पॉइंट बना लेता हूँ। चलिए पॉइंट बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, इसको ओके कर दिया और इसको मैंने बना लिया। अब चलिए फिर से जाते हैं, डोम में जाते हैं, एज सिलेक्ट करते हैं, फेस सिलेक्ट करते हैं। हमने फेस सिलेक्ट कर लिया, ये देखो जैसे फेस सिलेक्ट किया यहाँ पे जो डायमेंशन था उसके हिसाब से उसने बना लिया। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था उसको क्लिक करते हैं।
जैसे पॉइंट को क्लिक किया आप देख सकते हो कि पॉइंट्स जहां भी मेरा पॉइंट है उसको इसने सेंटर ले लिया और उसी डायरेक्शन से डोम बना लिया और मैं ओके कर लेता हूं। तो जहां भी मेरा पॉइंट था वहां से ये ऊपर बन गया। तो जैसे हम यूज कर सकते हैं डोम कमांड को। चलिए अब दूसरा कमांड यूज करते हैं स्केल। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूं और एक नया फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट कोई सा भी बना लेता हूँ। मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया कोई सा भी। इसको एग्जिट स्केच कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया। ये देखो अगर आपने यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे मेरा दूसरा बन गया। अगर आपने जो हमारा जो पहले से जो स्केच बनाया है उसको अगर डिफाइन फुल्ली नहीं किया होगा तो ये अपने आप दूसरा तीसरा लंबाई में चेंज होता रहेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट पकड़ा गया और उससे प्लस माइनस होता रहेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले हम फुल डिफाइन कर देंगे जो भी करना है तो ऐसा एरर नहीं आए। चलिए अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ और यहाँ से अभी मैं प्लस कर लेता हूँ इसको भी। ओके कर लिया, ये मेरा एक जॉब बन गया। अभी मैं फिर से फ्रंट प्लेन में लेता हूँ, स्केच लेता हूँ मैं ये, चलिए पॉलीगॉन बना लेता हूँ। चलिए मैं कंट्रोल एट करूंगा, जैसे ही कंट्रोल एट करूंगा मेरा आ जाएगा साइड। स्केच बनाया, एग्जिट स्केच कर दिया और इसको एक्सट्रूड करूंगा। एक्सट्रूड्स में ऑफसेट ले लूंगा, रिवर्स डायरेक्शन, और मैंने एक्सट्रूड कर दिया। तो ये देखो आप यहां पे देख सकते हो कि दो सेम टू सेम है। अभी ऐसे देखा जाए तो अभी इसको मान लीजिए इसका स्केल बढ़ाना है, मतलब दो गुना करना है, चार गुना करना है, पांच गुना करना है या इसका आधा करना है, तो वो हम कैसे करें। तो एक तो मैंने यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कि कहीं भी स्केल कमांड है, तो एक यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, कमांड्स में जाना है और SCALE स्केल लिखना है। जैसे स्केल लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्लिक कर सकते हो तो हमारा स्केल कमांड चालू हो गया। और या फिर इंसर्ट में जाके, फीचर्स में जाके यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं। मैंने यहाँ पे से स्केल किया, जैसे मैं स्केल कर रहा हूँ मुझे बॉडी पूछता है तो मैंने बॉडी लिया, इसको दे दिया। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, सेंट्रोइड, ओरिजिन और कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सेंट्रोइड मतलब इसका इसका जो सेंटर है उससे लेगा। ओरिजिन मतलब हमारा जो यहाँ पे बनते वक्त जो ओरिजिन था, जैसे हम टॉप प्लेन लिया और टॉप प्लेन में यहाँ पे ऐसे मार्क आ जाता है वो ओरिजिन है, तो एक वहां से भी ले सकते हैं। या कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम अलग से कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका एक्स वाई जेड डिफाइन करेंगे तो भी हो सकता है। अभी मैं सेंट्रोइड ले लेता हूँ और यहाँ पे स्केल है एक, मतलब मुझे इसका कितना गुना करना है। तो मुझे इसका जो भी माप है उसका मुझे पांच गुना करना है, तो मैं यहाँ पे पांच लिखता हूँ और सिंपल यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा जॉब बन गया वो इससे पांच गुना ज्यादा बड़ा बन गया। इसको स्केल करते हैं, एडिट फीचर्स करते हैं, इसको मैं अभी तीन गुना करता हूँ। तो मैं यहाँ पे तीन लिख दिया, यहाँ पे ओके किया, तो ये देखो जो भी था मेरा उससे तीन गुना ये बढ़ गया। अभी मैं स्केल पे जाता हूँ, एडिट फीचर्स करता हूँ और यहाँ पे मुझे इससे आधा चाहिए तो मैं 0.5 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ और यहाँ ओके कर लेता हूँ। तो देखो मेरा जो था उससे आधा बन गया। तो ऐसे हम स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। तो ये था स्केल कमांड। चलिए आगे का कमांड देखते हैं। इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी दूसरा एक ले लेते हैं, न्यू में पार्ट ले लेते हैं। अभी हम एक कंबाइन कमांड देखेंगे। तो कंबाइन कैसे करते हैं कि दो अपने पास दो स्केचेस है, दो मॉडल है, तो उसको कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं। मैं पहले फ्रंट प्लेन पे स्केच ले लेता हूँ,
यहाँ पे मैं ऐसा सर्कुलर स्केच बना लेता हूँ पहले। ओके कर दिया। इसको मैं थोड़ा ऑफसेट कर लेता हूँ। कैप एंड से आर्क से मैंने ओके कर लिया। अभी इसको मैं एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा एक्सट्रूड कर लेता हूँ मिड प्लेन से। इसको ओके किया। अभी मैं टॉप प्लेन ले लेता हूँ, कंट्रोल एट करता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक दूसरा स्केच बना लेता हूँ। चलिए मैं ऐसा कुछ स्केच बनाया, इसको ओके किया और बीच में एक छोटा सा होल बना दिया कहीं पे भी। ये एक होल बना दिया, इसको मैंने एक्सिस स्केच कर लिया। इसमें फीचर्स में गया, इसको भी एक्सट्रूड कर लिया। मिड प्लेन से करना है, अगर आपको पास पूरा स्केच को एडिट करना है तो यहां से भी कर सकते हो जो आपने देखा था हमने पहले। और इसको मैं अभी ओके कर लेता हूं। ओके करने के बाद देखते हैं तो हमारा ये एक स्केच रेडी हो गया। अभी जब भी हम एक सॉलिड बॉडी देखेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, सॉलिड बॉडीज में से तो एक ही दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास दो थी तो हमको दो चाहिए। तो उसके पे क्या करने का, यहाँ पे वॉश एक्सट्रूड टू में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट फीचर्स करेंगे। एडिट फीचर्स में ये रिजल्ट अपना मर्ज रिजल्ट हो गया है, उसको अनटिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा दो अलग अलग बॉडी हो गया है। अभी इसमें देख सकते हैं एक्सट्रूड वन और एक्सट्रूड टू। तो अभी इसको कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो हमारे लिए यहाँ पे इंसर्ट से है, इंसर्ट में जाएंगे, फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे कंबाइन है, या फिर आप यहाँ भी सिलेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, कमांड्स में जाके कंबाइन लिख के सर्च कर सकते हैं तो ये कंबाइन आ गए, इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मेरा कंबाइन खुला, ये मेरा प्रॉपर्टीज मैनेजर में मेरा ये कमांड आ गया। अभी इसमें ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, कॉमन है, तो कैसे करेंगे। ऐड करना है तो मतलब आपको दो तीन जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मॉडल है उसको एक करना है तो क्या करेंगे, ऐड में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंबाइन में, एक मॉडल दूसरा मॉडल और ओके। जैसे मैंने उसको किया ये पूरा एक मॉडल हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जब मैं सॉलिड बॉडी में जाऊंगा तो मुझे ये पूरे का पूरा एक ही मिलेगा, जो भी उसका कोना है, एजी से वगैरह सब कुछ होके पूरा एक ही हुआ है। चलिए अभी दूसरा कमांड देखते हैं, राइट क्लिक, एडिट फीचर्स, सब्ट्रैक्ट। सब जैसे ऐड का मतलब था एक दूसरे को जोड़ना, वैसे सब्ट्रैक्ट का मतलब है एक में से दूसरे को काटना। तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड बॉडी है उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे मेन बॉडी सिलेक्ट करना है कि जिसमें से वो दूसरा बॉडी जाएगा, तो मैं अभी मेन बॉडी में इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरा मेन बॉडी है, उसमें से मुझे ये पार्ट डिलीट करना है तो मेन बॉडी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। बॉडी टू सब्ट्रैक्ट में गया, क्लिक किया, ये बॉडी सिलेक्ट कर दिया कि जो मुझे काटना है। अभी मैं इसको ओके करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने ओके किया, मेरा मेन बॉडी जो कंबाइन किया था तो मेन बॉडी में से वो पार्ट जो डिलीट करना था उसका हिस्सा इसमें से कट गया और इसको ऐसे ही काट दिया। तो ऐसे होता है कंबाइन में सब्ट्रैक्ट। अभी हम दूसरा कमांड देख लेंगे, एडिट फीचर्स में जाएंगे और कॉमन। जैसे कॉमन को क्लिक किया, कॉमन का मतलब है ये दोनों में से जो समान होगा वही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। तो जैसे हमने एक पहले क्लिक किया था सिलेक्ट तो वो आ गया, इसको भी हम क्लियर सिलेक्शन कर देंगे। यहाँ पे कॉमन करेंगे इसको, ये और ये दोनों दे दिए हमने एक्सट्रूड। कॉमन का मतलब ये दोनों में से जो समान होगा वही रहेगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। तो इसको ओके करते हैं और देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, हमने वो दोनों ऑब्जेक्ट में से कॉमन किया तो वो दोनों में से जो कॉमन टुकड़ा था वो रह गया और हमारे पास वो आ गया। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं कंबाइन कमांड। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।